कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन से मजदूर वर्ग के साथ साथ अन्य लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लगभग 1200 बसों की सेवा को शुरू कर दिया था, जिससे लॉकडाउन के कारण जो लोग इधर उधर फंस गए हैं वो अपने घरों को आसानी से पहुंच सके। कानपुर में भी बसों की सेवा शुरू होते ही जो दूसरे राज्यों या जिलों के लोग फंसे थे वो भी अपने घरों के लिए निकल पड़े। लेकिन जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोल रही है, वहीं आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बसों की छतों पर चलकर वह सारी बातों को ताक पे रखते हुए सिर्फ जल्द से जल्द अपने घर को पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इनमें से किसी को भी ये बीमारी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। रोल आज हम लोग नौबस्ता बाईपास पे हैं। नौबस्ता बाईपास के ऊपर ये जो फ्लाईओवर बना है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दूर दराज से दूसरे दूसरे स्टेट से दूसरे दूसरे जिले के लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं कानपुर में, वो किस तरीके से बसों में भर के अपने घरों के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से बस में अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से वो बस पर चढ़े हैं और अपने घर के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर फ्लाईओवर पर आपको नजर आएगी। चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद इतनी भीड़ यहाँ पर है। सरकार ने बसों के द्वारा इन लोगों को भेजने का इंतजाम किया है, लेकिन आप देखते हैं किस तरीके से ये पब्लिक बसों पर चढ़ी है, बसों की छत पर चढ़ी है और इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना हमारे पीछे बसों पर पब्लिक सवार है।